नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको स्नैक्स वीडियो से स्लो मोशन वीडियो किस तरीके से बनानी है तो आपको सिंपली बताने वाला हूँ। ध्यान से आपको पूरी वीडियो देखनी होगी, आप उसी एप्लीकेशन के अंदर बिल्कुल आसानी से स्लो मोशन वीडियो बना पाओगे, अदरवाइज आपको पता भी होगा। तो सिंपली जैसे कि मैंने यहाँ पर स्नैक्स वीडियो ओपन कर लिया है, तो थोड़ा सा प्रोसीजर बताऊंगा और आपको इसमें करना क्या है और पूरी जानकारी देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले यार प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो यहाँ पर सबसे पहले करना क्या है, आपको यहाँ पर अपने ये जो प्लस का सिंबल दिख रहा है, प्लस वाले सिंबल पे जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको म्यूज़िक में चले जाना है। म्यूज़िक में जाने के बाद आपको कोई भी म्यूज़िक सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर वंदे मातरम एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, यूज़ द टू शॉट, ठीक है। अब यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिएगा, आपको सिंपली करना है कि यहाँ पर ये जो स्लो मोशन नॉर्मल ईपी स्लो पे क्लिक कर देना है। जैसे आप स्लो पे क्लिक कर दोगे और आपको ये जो फ़ोन है ना बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए। अगर आपका फ़ोन ज़रा सा भी हिलता है तो आपकी जो वीडियोस है वो स्लो मोशन में रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी। तो सिंपली क्लिक कर दे रहे हैं, जैसे आप इसे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर देखिए मेरे हाथ जो है, मैं इनको तेज़ी से घुमाऊँगा, ठीक है, लेकिन आपको स्लो मोशन में वो वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाऊँगा। तो यहाँ पर मैं कुछ सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर फास्ट से हाथ एकदम से रोल कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको स्लो मोशन बिल्कुल रियल में दिखने वाली है। तो यहाँ पर मैं इतनी वीडियो कट करता हूँ और यहाँ पर नेक्स्ट पे जाता हूँ। नेक्स्ट में जाने के बाद आप देखिएगा मेरी वीडियो किस तरीके से स्लो में चल रही है, आप देख सकते हैं। मैंने बताया था आपका कैमरा नहीं हिलना चाहिए, तो मेरा थोड़ा बहुत कैमरा हिल रहा था, इस वजह से अच्छा सा इफेक्ट नहीं आ पाया। अदरवाइज़ आपका कैमरा बिल्कुल नहीं हिलता है तो 100% बढ़िया इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पर इफ़ेक्ट में जाना है तो यहाँ पर देखिए इफ़ेक्ट में आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जब आप डाउनलोड कर लोगे तो अच्छे अच्छे इफेक्ट भी दे पाओगे, और अदरवाइज फ़िल्टर वगैरह लगाना चाहते तो फ़िल्टर भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर स्टिकर लगाना चाहते हो तो स्टिकर लगा सकते हो आप। तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टिकर मिल जाते हैं, जैसे कि आपको जो भी स्टिकर लगाना, तो सिंपली स्टिकर लगा के आपको यहाँ पर जैसे सेव कर देना है, और ज़्यादा बड़ा साइज़ करना है तो ज़्यादा बड़ा साइज़ भी कर सकते हैं आप, और यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पर आपको नाम दे देना और आप क्लिक कर देना, तो कुछ इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप स्लो मोशन वीडियोज बना पाओगे। बाय द वे, आपका कैमरा जो है ना बस थोड़ा सा वो अटका हुआ होना चाहिए, कहीं भी हिलने डुलना नहीं चाहिए, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तो नमस्कार, जय हिंद, जय।